स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश का सवाल। पूछूंगी बार बार, देश को जवाब दो। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के बाद क्या ये तय हो गया है कि वहां भगवा लहर है, और खुद ममता दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसका कबूलनामा कर लिया। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल में मोदी की लहर है, मोदी और ममता में मोदी का पलड़ा भारी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल में करीब 25% लोग मोदी को भगवान तक मानते हैं, तो बंगाल में भगवा लहर का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। आज हिंदुस्तान का सवाल यही कि क्या बंगाल को मोदी में रब दिखता है। सवाल प्रशांत किशोर के कबूलनामे की वजह से है, सवाल दीदी की हर बीतते दिन होती साथ बढ़ती जल्लाहट की वजह से है, सवाल ममता सरकार की तुष्टीकरण और साम्राज्यवाद की वजह से है। दीदी आप देश को जवाब दो, क्या टीएमसी ने बंगाल में हार मान ली है? 21 दिसंबर तक बीजेपी को दुहाई का आंकड़ा देने वाले प्रशांत किशोर अब मोदी को भगवान क्यों बता रहे हैं? अब बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें क्यों दे रहे हैं? दीदी देश को जवाब दीजिए, क्या आपके रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सारा खेला होबे अब शेष हो गया है? क्या अब बंगाल ने ममता दीदी और उनकी पार्टी को नकार दिया है? देश को जवाब दो। इन्हीं मुद्दों पर बहस करूंगी, शो को आगे बढ़ाओ, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल समझ लीजिए। क्या ममता दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हार मान ली? जिसे आप अपना सेनापति मान रहे थे, वो आपकी सेना के सामने खड़े होकर कह रहा है कि हम हार चुके हैं। क्या बंगाल में मोदी की वजह से भगवा लहर है? क्या बंगाल के लोग पीएम मोदी को वाकई भगवान मानते हैं? देश को जवाब दो, क्या बंगाल में ममता विरोधी लहर है? और क्या 2 मई को ममता दीदी की हार तय है? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये हमें नहीं कहना पड़ रहा। आज चौथे चरण का चुनाव था, सुबह से जी हिंदुस्तान उसकी कवरेज पर था, अलग अलग 44 विधानसभा सीटों पर 44 रिपोर्टर्स ने अपनी कवरेज दी है, अलग अलग जगहों पर जमीन पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से हमने दिखाया है कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। 2021 चल रहा है, आप हिंसा करें, हंगामा करें, उपद्रव करें, कुछ नहीं छुप रहा। लेकिन इन सब के पीछे जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये कि आपके खुद स्ट्रेटजी जो बनाने वाले लोग हैं, जो टीएमसी के रणनीतिकार कहे गए, जो ममता दीदी को फिर से सत्ता में स्थापित करने के लिए आए थे, वो अचानक से कहने लगे कि नहीं, मोदी का फैक्टर सबसे बड़ा है। तो ऐसे में क्या बंगाल को मोदी में रब दिखता है या नहीं? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि 10 से 25% लोग ऐसे हैं जो मोदी को भगवान मानते हैं। आज बहस करूंगी इसी मुद्दे पर, तमाम मेहमानों से मिलवा, उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम लोग उसका साथ है। मोदी, 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 मोदी की हवा, बंगाल में आएगा भगवा। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में। बंगाल की पुकार, मोदी अब की बात। भारत माता की। दीदी गैंग घबराया, विदाई का समय आया। बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। दीदी बोलती है कि बंगाल को बाहरी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। लेकिन बंगाल क्या बोल रहा है वो जरा दीदी के ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जुबानी सुन लीजिए। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। इस बयान से साफ है दीदी के पास भगवा लहर को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी का दीदी और उनकी गैंग के पास कोई तोड़ नहीं है। मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर।
दीदी के लिए चुनाव की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर हर सच को जानते हैं और साफ साफ बोल भी रहे हैं और उन्होंने ही 2 मई को आने वाले नतीजों का ऐलान 10 अप्रैल को ही कर दिया। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, प्रशांत किशोर भी ये बयान सामने आने के बाद कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ट्वीट कर कह रहे हैं कि मेरा पूरा बयान सुनाओ, बीजेपी 100 से ऊपर सीट नहीं जीतेगी, लेकिन जरा अपना खुद का पुराना बयान सुन लीजिए। मुझे खुशी है कि बीजेपी मेरे चैट को इतना सीरियसली ले रही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बीजेपी बंगाल में 100 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। मेरा ये ट्वीट सेव कर लीजिए, अगर बीजेपी ने इससे बेहतर किया तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। 21 दिसंबर को यलगार और 10 अप्रैल को मानी हार, तो पीके के कबूलनामे से साफ है कि बंगाल में दीदी जा रही है और मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इसका शंखनाद कर दिया है। ये बंगाल की जनता ने ठान लिया है, ये बंगाल की जनता आपको निकाल करके ही दम लेने वाली है। तो आज हिंदुस्तान का सवाल यही है, क्या बंगाल को मोदी में रब दिखता है? देश को जवाब दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, प्रशांत किशोर को जितना आप समझते हैं, जितना आप जानते हैं, बस ये अभी समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जो ममता दीदी के साथ खड़े दिखे थे, ममता दीदी के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे थे, ममता दीदी के लिए एक रणनीति तैयार कर रहे थे और एक लाइव चैट, क्लब हाउस ऐप के एक लाइव चैट में कुछ चुनिंदा पत्रकारों से सवाल जवाब करते हुए उन्होंने अपनी ये बात कही और उसके बाद ये ऑडियो जो है विस्फोटक तरीके से वायरल हो गया। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि आज चौथे चरण का चुनाव था, यानी आप समझिए 8 चरण के चुनाव में से 4 चरण का चुनाव हो चुका है, आधा चुनाव खत्म हो चुका है और सिर्फ 4 चरण का चुनाव आते आते किसी पार्टी का रणनीतिकार, जैसे मैं सेनापति कहूंगी, अगर सेनापति खुद ही हार मान ले तो फिर आप जनता का भरोसा, अपनी सेना का भरोसा कैसे हासिल कर पाएंगे? इसी पर सवाल पूछूंगी। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए, शाकिर अली मेरे साथ टीएमसी से जुड़े हुए, शाकिर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जॉय चौधरी साहब हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जॉय आपका। एस के दत्ता साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एस के दत्ता मेरे साथ आज स्टूडियो से नहीं, आज मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बाहर से ही, बहुत बहुत स्वागत सर। सुनील चोपड़ा जी जुड़े हुए, सुनील जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मेरी सहयोगी श्वेता हुगली से मेरे साथ बनी हुई है और प्रत्युष मेरे साथ मुर्शिदाबाद से बने हुए हैं। देखिए मैं आप लोगों के पास आऊं, लेकिन सबसे पहले मैं श्वेता के पास जा रही। श्वेता, आज हुगली में भी चुनाव था, आज वहां पर जो तस्वीरें थी वो हमने दिखाई। मेरा तो सिर्फ ये पूछना है कि अचानक से चौथा चरण खत्म होते होते आप लोग वहां क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हर रोज जो चुनाव मार्च में शुरू हुआ आप देखिए कि एक छुटपुट घटनाएं होती थी, हिंसा हंगामे से भरी, आज चौथा चरण आते आते वो बढ़ गई, कभी सांसद की गाड़ी पर हमला हो रहा है, कभी केंद्रीय मंत्री को घेर लिया जाता है, तो ये बौखलाहट जो है वो बढ़ क्यों रही है? क्या इसीलिए पीके कह रहे हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है? देखिए, आज जो ऑडियो बम जी हिंदुस्तान ने फोड़ा, उस ऑडियो बम के बाद तो माधुरी ये क्लियर हो चुका है कि खुद रणनीतिकार जो है पीके, वो ये मान चुके हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। श्वेता, मैं वापस आती हूँ, श्वेता वापस आती हूँ मैं आपके पास। मेरे साथ खुद कैलाश विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं, करीब 5 साल हो गए कैलाश जी आपको मैं बंगाल में देख रही हूँ, आपको अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार करते हुए, कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए। पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगी आपके जज्बे को भी और आपकी इस सहनशीलता को भी कि रोज आपके ऊपर कभी ना कभी हमला हो रहा है, कभी राजनीतिक हमला होता है, लेकिन इन सबके बीच मुझे बताइए सर, कई बार कहते हैं ना कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, सेनापति खुद अगर हार मान ले तो आधी जीत तो आपकी उन्होंने तैयार कर दी, आपके लिए तो काम आसान हो गया सर। उन्होंने 2 तारीख को जो बयान देना था आज दे दिया और मुझे लगता है कि वो सारे हारने के जो बहाने थे वो उन्होंने बता दिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। और उन्होंने बड़ा गोल घुमा के किया है, उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की नीति, वास्तव में तुष्टिकरण की नीति नहीं, ममता जी का फेलियर है। कोई साथ में कह रहे कि ममता जी और मोदी जी समान रूप से पॉपुलर, दोनों एकदम पॉपुलर हैं, ऐसी बात नहीं है। ममता जी ममता जी हैं, मैं उनकी लीडरशिप को कोई नकारता नहीं हूँ, पर मोदी जी मोदी जी हैं, मोदी जी की बराबरी ममता जी नहीं कर सकती। और मोदी जी का जो इम्पैक्ट यहाँ पर है वो इस बात के लिए है कि वे एक ईमानदार नेता हैं, वे
विकास करने वाले नेता हैं, वे गरीबों की गरीबी दूर करने वाले नेता हैं, और ये उन्होंने टेस्ट किया सिर्फ अभी। उन्होंने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाखों मकान यहाँ पर बने हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 80 लाख से ज्यादा गैस के चूल्हे घरों के अंदर है, जहाँ पर महिलाएं भोजन बना रही है। 2 रुपए किलो चावल और कोविड के दौरान सस्ता चावल, फ्री का चावल उन्होंने भेजा। वह ममता जी के जो सिंडिकेट वाले लोग हैं वो पूरे उनके पास तक नहीं पहुंचा पाए। तो एक तो वो सरकार है जो गरीबों के लिए योजना लाती, गरीबों तक पहुंचाने के लिए, पर बीच में सिंडिकेट झोलाबाजी लोग किस प्रकार गरीबों को एक तरीके से रिटेल भ्रष्टाचार करते हैं। जो रिटेल भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है पश्चिमी बंगाल में, उससे आम आदमी, गरीब आदमी कोई भी हो वह दुखी है। और इसलिए पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम 200 सीट जीतेंगे, हमें विश्वास है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कैलाश जी, आप लोगों का काम आसान कर दिया क्या आज प्रशांत किशोर ने? आपने दूसरों के सेनापति को अपने में शामिल कर लिया सर, इतना कन्विंस कर लिया आपने। नहीं, आप ऐसा आरोप मेरे पर मत लगाइए। आरोप नहीं सर, आरोप नहीं, मैं तो आप, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपका काम आसान हो गया क्या? आरोप नहीं है सर। ऐसा है कि आप शंका कर सकती है कि जिस प्रकार उन्होंने बीच चुनाव के अंदर इस प्रकार के उद्गार दिए हैं, कोई भी शंका करेगा कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से मिल गए, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर मिल भी गए हो तो उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, और हमारे दिल्ली में तो हमारे उस्ताद लोग बैठे हुए हैं, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ है वह एक घटना है जिसको कि हम सब लोग देख रहे हैं और आप लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया भी आई है सर, उन्होंने कहा कि मेरे चैट का कुछ हिस्सा सुना दिया गया और मैं खुशी, मुझे खुशी हो रही है कि बीजेपी अपने नेताओं के संबोधन से ज्यादा मेरे क्लब हाउस चैट को ज्यादा गंभीरता से ले रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने अपने आप को इस प्रकार बड़े रूप में प्रोजेक्ट किया आपके माध्यम से। ऐसा है कि वो एक बहुत बड़े सलाहकार है, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और हार्डवर्ड में पढ़े हैं, बताते हैं IIT में पढ़े हैं। वास्तव सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, चाटपट्टी में बैठने वाले लोग हैं। हम 6 साल से यहाँ पर लगे हुए, तो हमने बंगाल के गली कूचे सब देखे हैं। तो अब उनकी रणनीति AC कमरे में बैठ के बनी, हमने अपनी रणनीति गांव के अंदर जाकर बैठ कर बनाई है। तो हमें मालूम था कि वास्तव में क्या है, मतलब नाम तृणमूल उनका है, बाकी मूल में हम थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं शुरू से कि 200 सीट जीतेंगे, 200 से कम नहीं जीतेंगे, क्योंकि हम मूल क्या है, पश्चिम बंगाल के जड़ में क्या है, पश्चिम बंगाल के किस प्रकार टोलाबाजी से, किस प्रकार सिंडिकेट रास्ते, किस प्रकार भ्रष्टाचार से, किस प्रकार कोल माफियाओं से, गोल्ड माफियाओं से, रेत माफियाओं से जनता का शोषण हो रहा है, वो हमें मालूम था। और फिर दूसरी तरफ मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के लिए योजनाओं का बिना कोई सिंडिकेट और टोलाबाजी के सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है, उसका भी लोगों को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सोनार बंगला का सपना साकार होगा। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत जबरदस्त रुझान, ये रुझान प्रशांत किशोर को दिख रहा है। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ सर, 1 मिनट में फिर हाजिर से आ रही हूँ। एक कमेंट मैं TMC का इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो जो बात बोली है शाकिर अली साहब, मुझे एक बात बताइए सर, 10 अप्रैल को ही नतीजा सुना दिया TMC ने, तो पूरा ही नहीं हुआ अभी तक, तो चुनाव ही पूरा नहीं हुआ। अदुल जी, मैं ये जो प्रशांत जी का जो आप लोग ये जो ऑडियो क्लिप को दिखा रहे हैं, उस दिन मैं प्रशांत जी के साथ में बैठा था। सबसे पहला बात है कि पूरा वीडियो क्लिप है नहीं। स्क्रीन पे लाइए कैलाश जी को भी प्लीज। दूसरी बात कि उन्होंने कहा 10-15-20-25% तक मोदी जी को लोग भगवान मानते हैं। अगर ये लोग भगवान मानते हैं तो मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन 70% का जो आंकड़ा है, जो 30-70 का रेशियो में खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो 70% का जो आंकड़ा, उसका अगर 25% भगवान मानते हैं तो 25% लोग वोट देंगे, लेकिन 25 के ऊपर परसेंट लोग जब भगवान नहीं मानते। भाई साहब, आप पूरी बात समझे नहीं, शाकिर अली साहब पूरी बात समझे ही नहीं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक कल्ट है जो मोदी जी के साथ है, इतनी पॉपुलरिटी है और स्टेट का एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा, राज्य से गुस्सा है लोगों को, इस पर बात करिए सर। आपके सेनापति ने हथियार डाल दिए, मैं ये कह रही हूँ, आधी लड़ाई तो यही खत्म हो गई सर। नहीं है ये पूरा वीडियो क्लिप नहीं है माधुरी जी। और रह गया दूसरी बात कि आपको समझना पड़ेगा कि आप टीवी पर जो दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का हवा, बस टीवी पर ही देखते रहिए, ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जमीन पर कैडर की बात हो रही है कैलाश जी, और हम भी घूम रहे हैं। जरा TMC के लोगों को समझाइए सर, आपकी जमीन का कैडर क्या है, कैसे काम करता है? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि मैं
उनके सामने ये कहूँ कि उनका किरदार सिर्फ असामाजिक तत्व है, गुंडे हैं, सिंडिकेट है, टोलाबाज है, तो अच्छा नहीं लगेगा उनको भी और मेरे को भी बोलना अच्छा नहीं लगेगा। पर उनका और साथ में पुलिस है, इसके अलावा उनका कैडर कौन सा है? और भारतीय जनता पार्टी का कैडर तो आप देख ही रहे हैं कि मर रहे हैं, पिट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी हमला हो जाता है, उसके बाद भी हम लीडर होकर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें बंगाल को बचाना है। तो हम लोग और उनकी तुलना नहीं कर सकते। वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हम विपक्ष के लोग हैं। तो उनके पास चोलाबाज, सिंडिकेट और पुलिस, ये अगर तीन हटा दो तो बच्चा क्या है? फिर जीरो बटा सन्नाटा है। टीएमसी कैलाश जी सब आपने ले लिया और 150 लोगों को आपने टिकट भी दिया। टीएमसी के गए हुए 150 लोगों को आपने टिकट दिया, यही आप लोग के लिए नुकसान हो रही है। नहीं नहीं, देखिए जितने भी आपकी पार्टी में अच्छे लोग थे तो हमारी पार्टी में आ गए और आप भी आ जाएंगे किसी दिन। आप भी बहुत अच्छे आदमी हैं टीएमसी के। तो शाकिर अली के लिए तो खबरें थी सर, कैलाश जी शाकिर अली के लिए भी खबरें थी, बैठे शाकिर अली जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं, खबरें थी सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी। अली साहब आप तो ज्वाइन करने वाले थे बीजेपी, कल ऐसा ना हो कि कैलाश जी आपको ज्वाइन करा रहे हो सर उधर। माधुरी जी आप तो हमको मार्केटिंग इतना करते हैं ना बीजेपी के, हमको लगता है कि आप हमको हमारे इलाके में रहने नहीं देंगे। अरे सर आपका इलाका मेरा इलाका क्या, मेरा देश है, आप कहीं पे भी रहिए। बांग्लादेश की बात तो आप करते हैं सर, घुसपैठ तो आप लाते हैं, हम तो देश की बात करते हैं। इस मीडिया पर बीजेपी बोलने से जानते हैं हमारा कितना ये इमेज डाउन हुआ है, जानते हैं लोग हमको। अब दूसरे दो निगाहों से लोग देखते हैं कितना प्रॉब्लम में सर, कितना परेशान हो गए हैं सर लोग। स्वागत करता हूँ, जो दिखता है वो मैदान में है नहीं। कैलाश जी आप स्वागत कर रहे हैं सर। हाँ अरे शाकिर भाई बहुत अच्छे आदमी है, तो गलती से टीएमसी में कुछ तो अच्छे लोग टीएमसी में है जो आज कल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद सर। पक्ष विपक्ष सारा खत्म कर दिया आपने, तो इनको भी कन्विंस कर लिया यहाँ बैठा के। अब मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ शाकिर अली साहब, ये कैलाश जी की मुस्कुराहट जो है ना, मैं इसी पे सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि ये हार का कबूलनामा बहुत कुछ कह रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि लड़ाई खत्म ही नहीं हुई और पहले ही सेनापति हथियार डाल दे तो जनता को कहां जीत पाएंगे आप सर? प्रशांत जी कह रहे पूरा वीडियो क्लिप आप दिखाइए, आप पूरा वीडियो क्लिप काहे नहीं दिखा रहे? कैलाश जी आरोप लग रहे हैं सर आप पे कि आप लोग पूरा वीडियो ऑडियो क्लिप नहीं दिखा रहे। अमित मालवीय जी ने जो ट्वीट किया है वो एक हिस्सा है, ऐसा है क्या सर? क्योंकि और भी कई सारे आरोप लगते हैं, आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप पोलराइजेशन करते हैं, आप लोगों ने कई लोगों को एजेंसीज को इस्तेमाल किया, कई लोगों को पार्टीज में शामिल करने के लिए, इसका क्या मतलब है सर? इनको किसने रोका ऑडियो को फुल जारी करने के लिए? ये करते हैं उसमें क्या है, कोई सीक्रेट दस्तावेज थोड़ी है। रेस जो क्लब का जो दस्तावेज है वो सार्वजनिक है, वो तो कोई भी देख सकता है, आप भी मंगा सकती हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। पर उसमें जो काम की चीज है वही दिखाई जाएगी, एक घंटे की पूरी चर्चा फालतू दिखाई जाएगी। और इससे जो काम की चीज हमने बता दी, आप ढूंढ के उसमें आपके काम की चीजें तो बता दीजिए, उसमें क्या है सर? शाकिर अली साहब स्ट्रेटेजी फेल हो गई सर आपकी, आपके स्ट्रेटेजी बनाने वाले खुद हथियार डाल दिए और आप पूरी क्लिप लाके लेकर आके बता ही ना पाए, तो फिर इसमें तो हम भी क्या करेंगे सर? सुनिए, हमारे बंगाल में 2011 में जो टीएमसी की गवर्नमेंट आई थी ममता बनर्जी के नाम पर आई थी, 16 में ममता बनर्जी के नाम पर आई थी और 2021 में भी ममता बनर्जी के नाम पर ही आएगी। तो देखिए प्रशांत किशोर जी कहाँ पर बैठ के हमसे, हमारे साथ या किसी के साथ क्या बात किए, ये एक अलग मुद्दा था। देखिए हमारी दीदी जो है आज डेढ़ पैर पर लेके जो संघर्ष कर रही है, इससे बंगाल की जनता देख रही है को किस तरह का संघर्ष। चलिए हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय साहब जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। लेकिन आप शाकिर अली जी को वापस डिबेट में ले आइए, मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए, जॉय चौधरी हैं, एसके दत्ता हैं, सुनील चोपड़ा है, मेरे सहयोगी श्वेता और प्रत्युष लगातार बाहर से जुड़े हुए हैं। श्वेता प्रत्युष आपके पास आऊं, लेकिन इस वक्त मैं डिबेट की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूंगी। एसके दत्ता साहब को लाइए सामने प्लीज, सुनील चोपड़ा और एसके दत्ता साहब को लाइए। एसके दत्ता साहब आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब कोई सेनापति कह दे कि हम हार सकते हैं तो सेना का मनोबल तो वैसे ही टूट गया। माधुरी जी, रानी साहिबा ने तो 2 तारीख को ही हार मान ली थी नंदीग्राम पे, जब आपके 1 तारीख को जब चुनाव हुआ था, और उसके बाद जो 2.5 घंटा जाके बूथ में जाके बैठ गई थी तो दीदी, तो उसी दिन हार मान गई थी।
उसी हार का सार्वजनिक उजागरता प्रशांत किशोर ने किया है। दीदी खेला होबे खेला होबे, एक बाइरेर बैरागत ने टीएमसी को हरा दिया है। ये जे बाइरेर बैरागत, आप जो बैरागत बैरागत करते रहते हो ना, प्रशांत किशोर जो बाहरी बाहर के बैरागत है, जो बाहरी है, उसी ने ही टीएमसी का हार कबूल कर दिया और कहीं ना कहीं पे हार कर दिया। और इसीलिए पंजाब में पहले से ही जाके सौदाबंदी कर लिए, क्योंकि उनको हकीकत पता चल गया। ये बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरा ऑडियो नहीं है, पूरा ऑडियो नहीं है। दीदी आज के डेट में बंगाल में तो खेला हो रहा है ऑडियो का, कुछ दिन पहले खेला हुआ था ऑडियो का, जिसपे कटमनी और आपके टोलाबाजी का सारा विवरण दिया गया था कि कैसे करोड़ों में जाता है भाईपो के पास। आज एक और विस्फोट आया है ऑडियो का, खेला तो होच्छे ऑडियोर खेला होच्छे दीदी, और एक दिन पड़े ही ऑडियोर खेला होच्छे। ये खेला जो है, ये खेला बहुत भारी पड़ेगा, और 2 मई को दीदी कहेगी खेला शेष। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा टाइम है सर मेरे पास तो आप लोगों को सुनने के लिए और सुनवाने के लिए। बिल्कुल बोलिए। जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, जैसे आसाराम या राम रहीम, प्रशांत किशोर कह रहे हैं मोदी जी के बारे में भगवान, और मोदी जी के बारे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं जेल में है आज, और आप क्यों पैरवी करते हो टीएमसी के? ऐसे आदमी भगवान मैं नहीं देखना चाहता, मैं जानता हूँ। पहले तो सुनिए जी, आप निर्णय ले लो कि किन पार्टी से हो, सीबीआई से हो ना सीएम से हो ना आईएसआई से हो ना टीएमसी से हो। आज ये हुआ कि एक ट्वीट किया गया अमित पालिया की तरफ से, जिसमें क्लब हाउस ऐप पे एक लाइव चैट चल रहा था। प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि 10 से 25% लोग तो सरकार है भगवान मानते हैं, इसलिए पूछ रहे हो सर। कोई ना हमने कहा, ना आपने कहा, ना बीजेपी ने कहा, ना खुद मोदी जी ने कहा, ये प्रशांत किशोर ने कहा। वही आदमी जिसको बहुत अहम रणनीतिकार माना जाता रहा है, कभी दीदी के साथ खड़े हुए, कभी कहीं और गए, कभी बिहार गए, कभी कहीं गए, पर आज दीदी के साथ है ना सर। साल कांग्रेस वापस नहीं आई। अरे आपके बाम फ्रंट तो एग्जीबिशन मैच कर रही है, जो लोग आप लोग तो हो ही नहीं कहीं पे मैदान में भी, एग्जीबिशन मैच खेल रहे हो आप लोग, और फिक्स है आप लोगों का। टीएमसी के साथ सारा चीजें फिक्स है आप लोगों का, और 2 तारीख को पता चल जाएगा एग्जीबिशन मैच का सारा चीजें सार्वजनिक हो जाएगा कि आपके कैडर का कितना वोट टीएमसी पे गया है, और टीएमसी ने आप लोगों के प्रत्याशी के लिए कितना वोट ट्रांसफर किया है। आपके पास वापस थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, आप अपना पक्ष रखिए, आप कहीं पर भी मत जाइए सर। आपसे मैं रिस्पेक्टफुल है सुनील जी, आप इस तरह की बहस नहीं। मुझे बंगाल की बात बताइए, क्योंकि वहां आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई बीजेपी टीएमसी के लिए ही नहीं है, टीएमसी आपके लिए ऑलरेडी थी, अब टीएमसी के साथ बीजेपी भी है। शाकिर अली और जॉय चौधरी को लाइए सामने। शाकिर अली साहब, शाकिर अली साहब स्माइल कर रहे हैं सर, इस हंसी का क्या मतलब है सर? कौन हंस रहा है? आपकी मुस्कुराहट दिखा रही है मुझे, क्या सोच रहे हैं सर? मुस्कुराहट यही है कि देखिए आज अभी अभी आज हुगली में वोट हो रहा है, और माधुरी जी मैं हुगली में ही रहता हूँ। आज का जो वोटिंग हुआ है बहुत ही बेहतरीन, और हम लोग बहुत मतलब समझ लीजिए कि सरकार बनाने के करीब आज पहुंच चुके हैं हम लोग। और देखिए एक अलग से रिक्वेस्ट है माधुरी जी, हमारा आप मीडिया के माध्यम से अगर बताएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि दिल्ली में बहुत ज्यादा कोरोना है, और माननीय योगी जी को बोलिए कि यूपी में बहुत कोरोना है, उनको क्वारंटाइन में रहना चाहिए, और बंगाल में कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि वो दिल्ली में रहें। अब दिल्ली का कोरोना बंगाल में आ जाएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप प्रधानमंत्री जी के आने से डरते हैं क्या सर? नहीं नहीं, इलेक्शन देखिए, इलेक्शन से बड़ा है इंसान का जान, और जो है कोरोना का संख्या, तो दीदी भी घर में बैठ के ही कर ले रैली। नहीं नहीं देखिए, हम लोग तो बंगाल में है, हम लोग तो अभी
कंट्रोल में है, लेकिन बाहर से लोग आ रहे हैं ना, इससे कोरोना बढ़ने का फिर बाहर ही ले आए, फिर बाहर ही शब्द ले आए सर। जॉय चौधरी, बाहर से मतलब दिल्ली उल्ली से जो आ रहे हैं ये सब, तो कोरोना उधर ज्यादा बढ़ा हुआ है मैडम। आप भी बाहर ही बाहर ही बोल सकते हैं और दिल में चुप गया तो अपना भला बिगाड़ लिए। भाई ये जिसके बारे में मैं इतना कर रहा हूँ वही मुझे बाहरी कर रहा है, ये बाहरी करके हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा दुख जो हुआ है ना वो प्रशांत किशोर का हुआ है, और इसीलिए प्रशांत किशोर जी वो जो अपने साथी जो स्ट्रेटजी बना रहे थे उन्होंने खुल के बोल दिया कि भाई यहाँ पे नहीं चलने वाला, ये बंगाल में होने वाला इसके लिए, और यही बाहरी आप सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी की तरफ से आवाजें ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए आप जानते हैं कि शकीर साहब अभी आवाज आ रही है ना मेरे को? हाँ आवाज आ रही है। आपकी जो है ना, आप मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी ये बाहरी बाहरी वाले जो है ना, इसी बाहरी के चक्कर में आप प्रशांत किशोर अपना बोल दिए हैं, उनको भी कहीं दिल में छुप गया, क्योंकि है तो वो भी बाहरी, वो भी बंगाल के नहीं है, तो आप बाहरी बोले होंगे तो उनको छुप गया होगा, वो अपना चैट साझा कर दिए हैं। और रहा बात चैट की ना, आप बोल रहे हो कि पूरा चैट क्यों दे रहे हैं, तो साहब वो चैट वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं उनके पास जी? भारतीय जनता पार्टी के आप जरा वोट स्वीकार कर दीजिए। हुगली से आप हैं, हुगली में मेरी सहयोगी श्वेता भी है इस बार, श्वेता के पास लेके चल रही हूँ आपको। श्वेता क्या बड़ी खबर है आपके पास? 2 मई का नतीजा, वैसे तो 10 अप्रैल को टीएमसी के रणनीतिकार सुना चुके हैं। माधुरी बड़ी खबर ये है कि कूच बिहार में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अब बयान दिया है ममता बनर्जी ने, और ये बयान भी ममता बनर्जी का सीधे तौर पर अमित शाह के ऊपर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह को रिस्पॉन्सिबल बताया। एक बार पहले भी ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेज के ऊपर आरोप लगा चुकी हैं कि गृह मंत्री के आदेश पर सेंट्रल फोर्सेज जो है वो बंगाल में काम कर रही है, और ममता बनर्जी का कहना है कि कूच बिहार हिंसा पर शाह पर आरोप लगाया है, हिंसा के लिए जिम्मेदार जो है वो अमित शाह है। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने वो सुनवा देते हैं। পিসফুল একটা ইলেকশনকে বিজেপি যখন জানে তারা পুরো হারছে এবং তারা পুরোপুরি হারবে, তখন বিজেপি সারা ভারতবর্ষের সব সরকার নিয়ে, প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার নিয়ে বাংলায় পড়ে থেকে বাংলায় হিংসা সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে, এবং আজকের ঘটনার জন্য হোম মিনিস্টার অমিত শাহ পুরো দায়ী, এবং উনি নিজে কনস্পিরেসি রোজ করছেন। आज की घटना कूच बिहार में जो हुई, 4 लोगों की जान चली गई, और ममता दीदी कह रही हैं कि इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। प्रत्युष मेरे सहयोगी मुर्शिदाबाद से जुड़े हुए, मुर्शिदाबाद में हालांकि चुनाव 7वें चरण में है प्रत्युष, लेकिन आप माहौल क्या भाप पा रहे हैं? और कूच बिहार में जो हुआ वो तो सबने देखा, इस तरह की हिंसा होगी ये नहीं सोचा था बस जी। लेकिन उससे पहले माधुरी मैं बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देता हूं। नदिया की रैली से पीएम ने ममता बनर्जी को चुनौती दी है, बीजेपी सरकार आएगी सबकी फाइल खुलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, जमीन लूटने वालों की भी फाइल खुलेगी, बंगाल को लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे, अब की बार कमल छाप टीएमसी साफ, प्रधानमंत्री ने नदिया की रैली में ये बात कही है। देखिए इससे पहले भी करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह हमलावर रहे, आज नदिया की रैली में कुछ बिहार मामले से अलग करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरा है। बिल्कुल प्रत्युष, आप और श्वेता हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, बाहर से कई जमीन की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। सवाल मेरा सीधा है कि क्या आपने यानी टीएमसी के स्ट्रेटेजिकार रहने वाले, इस रणनीतिकार रहने वाले सीधे तौर पर पीके ने जो कहा है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, क्या हार मान चुकी है टीएमसी, वो भी 4थे चरण के चुनाव के बाद? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। शाकिर अली लगातार टीएमसी से मेरे साथ बने हुए, जॉय चौधरी और शाकिर अली को लाइए सामने। शाकिर अली साहब, अब आप मुझे सीरियस वे में बताइए कि ये जो प्रशांत किशोर ने कहा है, ये डर, ये बौखलाहट क्यों हो रही है? आप लोगों को क्या आपकी काम पर भरोसा नहीं था कि उनको लगने लगा कि देखिए मोदी जी आ गए, उनकी पॉपुलरिटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उस लोकप्रियता का नुकसान होगा आपको? माधुरी जी, मैं बहुत सुनिए, उसमें एक बात जो उन्होंने कहा मैं उसको और थोड़ा क्लियर कर दूं, आपको इस मैटर समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ जो है हिंदी भाषा भाषी वोटर है,
तो जो है वो मोदी के तरफ है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि बंगाल में क्या 1 करोड़ अगर हिंदी भाषा भाषी वोट है तो क्या वो सब वोट पा जाएंगे? तो एक बात, दूसरी बात है कि क्या 1 करोड़ हिंदी भाषा भाषी, क्या 9 करोड़ बंगाली और मुसलमान जो वोटर्स है उसके ऊपर भारी पड़ेंगे? ये भी तो सोचना पड़ेगा। वो उन्होंने आंकड़ा जो 1 करोड़ का दिया है तो ये 1 करोड़ के आंकड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा। देखिए उस क्लिप में है, मैं सीधी बात आपको कहना चाहता हूँ माधुरी जी, आपका जो फील्ड वर्क है आपका टीम का वो बहुत अच्छा है, और जो फील्ड वर्क है वो अच्छी तरह से जान रही है आपकी फील्ड वर्क लोग कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। जॉय को और शाकिर अली को आमने सामने लाइए। हम भी रहेंगे, जैसे ममता बनर्जी बोलती है कि घबराहट में कभी सीआरपीएफ से घेराव, कभी बोलती है उसे घेराव करके आप जाओ वोट लाने के लिए, फिर उसे अच्छा कर रखो, उसी तरह प्रशांत किशोर घबराहट में बोल दिए हैं और उस घबराहट को आप लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। अरे इसमें सही सच में क्या बोल दिया, और ये सच बोलने के बाद से प्रशांत किशोर भी कहीं हद तक घबराया हुआ है कि मैंने ये क्या दिया। और ये मैं बता दूं, प्रशांत किशोर बड़े तेजी आ गए, उनकी साथ में कहीं हद तक घबराहट बोल रहे हैं, मेहनत कर लीजिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी के और उस काम को ममता बनर्जी ने पूरा पानी डाल दिया है, क्योंकि वो ममता बनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाई। ममता बनर्जी अपने राह चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अपने राह चल रहे हैं, तो कहीं हद तक उनको भी लगने लगा है कि उनका जो रणनीति है वो बंगाल में फेल हो गया है और बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। ममता बनर्जी का कोई रणनीति फेल नहीं हुआ है, ममता बनर्जी ठीक है, ठीक चल रही है। और मैं बता दूं, 2014 चुनाव बहुत ही बहुमत के करीब हम लोग पहुंच गए हैं, आप बताओ ना, आप इसके लिए निश्चित रहे बाहर से देखिए, आप लोग ग्राउंड में नहीं है, आप लोग ग्राउंड में नहीं, आप लोग मीडिया पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्राउंड पर आप लोग नहीं है, ग्राउंड पर आते बाहर से तो समझ में आता। संत को तुम लाया भाई साहब, तो पहले फेल होती है, कभी तो प्रशांत किशोर को मारा गया है, चुनाव होता है चुनाव होता है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल का दौरा करते हैं, क्यों बंगाल का दौरा करते हैं? इसलिए चुनाव का समीकरण बिगाड़ने के लिए एक प्लानिंग के तहत कर गया, क्योंकि उन्हें लग में लगा है बंगाल में तृणमूल ने कहीं तक में खाया है, कहीं टोलाबाजी किया है, यहाँ तक कि बंगाल में पूरे भारत में कटमनी का हिसाब चल रहा है, पूरे भारत में कटमनी के बारे में बात करें। आज आपके एमपी हैं कृष्णा बोस, कृष्णा बोस को भी आप लोगों ने छोड़ा, उनके घर में भी सिंडिकेट वाले घुस गए थे, उनको भी ममता बनर्जी बाहर लगाना पड़ा था, उससे बड़ा और क्या होगा, इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगा सुखी जी? वो प्रशांत किशोर जी कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं, वो स्वीकार कर लिए हैं, बंगाल के हावड़ा से जहां हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं को उपद्रव देखा गया, लेफ्ट के ऑफिस में तोड़फोड़ और हंगामा हुआ, बेलूर गर्ल्स हाई स्कूल के पास ही बवाल किया गया, स्कूल में दरअसल कुछ बाहरी लोगों के ठहरने पर हंगामा हुआ, ये लड़ाई सब बाहरी वर्सेस बंगाली ही क्यों कर दी गई है? शाकिर अली जी, क्यों नहीं आप लोगों को अपनाते हैं? और इसीलिए शायद आप लोगों का क्रेज खत्म हो रहा है, लेफ्ट के ऑफिस में तोड़फोड़ की, हंगामा किया, यहाँ एक हाई स्कूल है बेलूर गर्ल्स हाई स्कूल, उसमें बवाल किया क्योंकि उसमें बाहरी लोगों के बाहरी लोग ठहरे हुए थे। शाकिर अली को लाइए वापस टीवी स्क्रीन पर। सर ये क्या है, रोज उपद्रव करेंगे, रोज हंगामा करेंगे, रोज हिंसा करेंगे? माधुरी जी मैं बता रहा हूँ कि बेलूर जो स्कूल जो गर्ल्स हाई स्कूल है, मैं जहाँ हूँ वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर है वो, ठीक हुगली खत्म होता है और बेलूर बाली स्टार्ट होता है। देखिए वहाँ पर करीब करीब 250 लोग आरएसएस के लोग वहाँ पर ठहरे हुए थे, आरएसएस के लोग, और जो है उसमें जो है वो लोग अपना 2-3 दिन से वहाँ प्रचार चला रहे थे धीरे धीरे, तो जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग है, वो कोई पार्टी का मामला नहीं है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी बात के लेके आपत्ति हुआ और उसके लेके मारपीट हुई, इसमें कोई टीएमसी का कोई बात नहीं है। आरएसएस तो हर जगह जा रही है, आरएसएस आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आरएसएस हर जगह जा रही है, हर क्षेत्र में जा रही है। सचिन जी कैसे उसको आपने आरएसएस का लोग करा दिया?
अरे आप आइए ना, हम दिखा देते हैं। लेफ्ट के ऑफिस में हंगामा किया, लेफ्ट के ऑफिस में तोड़फोड़ की, वो भी आरएसएस ने किया सर। आप तो पाक साफ है। ये स्थानीय लोगों का और उनके बीच का मामला, इसमें टीएमसी का माधुरी की कोई बात नहीं। सुनील चोपड़ा जी, जग जाहिर है लेफ्ट और टीएमसी का झगड़ा, लेकिन जब बात आती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये स्थानीय लोगों पे मर दिया इन्होंने। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि 40,000 करोड़ रुपया जो राफेल डील में लिया है, मोदी उसका जवाब दे। जो लोग पुलिस को इस्तेमाल करके हत्या की है, जो लोग मारे गए हैं आज, जो कुछ बिहार में, आप समझ लो, आपने जैसे ही आपसे पूछा गया, चीन और फ्रांस चले गए और ये मुस्कुराहट फिर आ गई शाकिर अली जी के चेहरे पर। यही तो मौका दिए थे आप लोग लेफ्ट से टीएमसी के आने में। भगवान कहने वाले लोग आज जेल में हैं, तो चाहे वो आसाराम हो चाहे वो राम रहीम हो। आप इतने इतने सीधे इंसान हो, आप झूठ भी सही तरह से बोल नहीं पाते हो शाकिर भाई। दुख ये इस बात की होती है कि अच्छे लोगों का कोई जगह ही नहीं है टीएमसी में। और मैं जानता हूं कि शाकिर भाई आप भाजपा के संपर्क में बहुत दिनों से हो। आपने कहा कि प्रशांत किशोर ने केवल कहा ये हिंदी भाषी लोगों के बारे में। उस ऑडियो में चार पांच चीजें महत्वपूर्ण है। एक है कि 1 करोड़ हिंदी भाषी, दूसरा ये है कि पोलराइजेशन हुआ है, चौथी बात 22% जो दलित है ना, 22% जो दलित है वो सीधा बीजेपी के साथ है। मथुरा समाज के 75% से 80% ध्रुवीकरण बंगालियों का, 1 करोड़ नॉन बंगाली यानी कि हिंदी भाषी और 22% दलित समाज के लोग जो बीजेपी के साथ है, तो आकलन कर ले, जोड़ ले, तो कितना आता है फिर, कितना आता है फिर, परसेंटेज कितना आता है। और इसीलिए पीके ने जो कहा है वो सच्चाई है। पीके ने टीएमसी का पीके कर दिया है। पीके ने टीएमसी का पीके कर दिया है। 2 तारीख को पता चलेगा, 3 तिथि को, कि गौतम थाने गौतम चार दुई में थे दीदी चार में गौतम थाने गौतम चार। शाकिर अली इसके पत्ता को सामने लाइए, ये सच्चाई सामने आएगा। स्क्रीन पर लाइए शाकिर अली जी, मैं तो फिर आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं। आपकी पार्टी का सेनापति, आपकी पार्टी का रणनीतिकार अगर हथियार डाल देगा, तो आपकी सेना का मनोबल तो वैसे ही गिर गया सर। आपने आधी जीत दे दी इनको। माधुरी जी, आप हारे नहीं, आपने उनको जीत दे दी। किस तरह? नहीं नहीं, आपको कौन कह दिया कि प्रशांत किशोर हमारे पार्टी के सेनापति हैं? 1 अप्रैल को तो दीदी ने हथियार डाल दिया था। ये तो समीकरण बनाते हैं। 1 अप्रैल को दीदी ने हथियार डाल दिया था नंदीग्राम में। सेनापति है जब 2.5 घंटा तक ये उसमें जाके बैठ के दीदी ने उसी दिन सेनापति की परिभाषा वही समझ में आती है कि रणनीति बनाने वाला, आगे चलने वाला, दिशा दिखाने वाला, वही रणनीतिकार, वही सेनापति। सर शाकिर अली की परिभाषाएं भी अलग अलग हो सकती है आपके लिए, कोई आपत्ति नहीं। आप पॉइंट पे आइए ना सर, इधर उधर की क्या बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सेनापति है ये आप याद रखिए। तो ममता दीदी को कौन रणनीति बता रहा था? देखिए वो तो बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है ना, वो तो नहीं है तो वो किसके किसके सेनापति है? तमिलनाडु पहले शुरुआत में कह दिया कि कभी बिहार गए, कभी बंगाल गए, कभी गुजरात गए, बहुत जगह गए पीके। लेकिन सबसे अहम यह है कि इस वक्त वो बंगाल में थे, दीदी का भरोसा जीत रहे थे, दीदी को भरोसा दिला रहे थे कि दीदी जीत रही हैं। मैं फिर कह रही हूं सर, सिर्फ चौथे चरण का चुनाव हुआ है, आज तो 10 अप्रैल है, 2 मई को नतीजा आना था, लेकिन जब आपके चुनावी रणनीतिकार ही हथियार डाल देंगे
तो आप जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? और जैसा आपने कहा कि ऑडियो क्लिप आधा है, तो जो पूरा है ऑडियो क्लिप आप लोग उसे ले आइए काउंटर में, आप लोग सुनाइए, हम वो भी दिखा देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो पक्ष विपक्ष सब समान है। हमें तो लोकतंत्र में स्वस्थ लोग पक्ष और विपक्ष चाहिए, मजबूत चाहिए, किसी एक के मजबूत होने से काम नहीं चलेगा। लेकिन आप कम से कम राजनीति तो ठीक से कीजिए सर, अपनी बात को प्रमुखता से रखिए तो सर, नहीं तो आप पहले ही हार मान लेंगे तो चुनाव कहां जीत पाएंगे आप। फिलहाल इतना ही, तमाम मेहमानों का शुक्रिया कर रही हूं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त यूपी के इटावा से। इटावा में एक हादसा हुआ है, 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बटपुरा इलाके में गड्ढे में गिरने से एक गाड़ी, सवारी गाड़ी थी, वो पलट गई। डीसीएम में बच्चों महिलाओं समेत 100 लोग सवार थे और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। 12 श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, कई लोग घायल भी हैं। तस्वीर देखकर थोड़ी ऐसी तस्वीर है कि आप चौंकेंगे, डरेंगे, क्योंकि कोई भी इस तरह का हादसा नहीं देखना चाहता। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आ रही है ये यूपी के इटावा की है और यहाँ बटपुरा इलाके में एक सवारी गाड़ी पलट कर गड्ढे में गिर गई। उसमें बच्चे थे, उसमें महिलाएं थी, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 12 लोगों की मौत भी हो गई। और इस वक्त एक और अहम खबर सुन लीजिए महाराष्ट्र से, जहां संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं। लॉकडाउन के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कोई उपाय नहीं है। 21 अप्रैल तक हालात और बिगड़ सकते हैं। हालातों को लेकर विपक्षी दलों के साथ चर्चाएं भी हो गई हैं और माना जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कुछ दिनों में महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने खुद कह दिया कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिलहाल जी हिंदुस्तान पर इतना ही, तय वक्त पर कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। सीएम जी का हिंसा खेला, हार देखकर बौखलाई ममता, चौथे चरण में ममता साफ, 2 मई को भगवा सरकार, जेल में मुख्तार, किराए के मकान में बॉडीगार्ड, टूट गया रिकॉर्ड, कोरोना सुनामी से हाहाकार। मेरा राज्य मेरा देश देखिए शाम 6:57 पर हमारे साथ जी हिंदुस्तान पर।